स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 के विषय रसायन विज्ञान पार्ट 2 बिलियन उसके आंकिक प्रश्न के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हर टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक वाइज एक एक आंकिक प्रश्न कराऊंगा। पहले मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज या मोलंश, उसके बाद राउल्ट का नियम और वास्तुदाब का अवनमन या अपेक्षिक अवनमन जिससे संबंधित आंकिक प्रश्न, और उसके बाद आता है हमारे पास क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। तो पहला जब क्वेश्चन करा रहे हैं हम, तो बात करते हैं, पहला आंकिक प्रश्न है 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा 14.9 ग्राम है, 500 ml जल में घोलकर 1 बिलियन बनाया गया है। तो हमें प्राप्त बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। बात करें हम मोलरता की, तो मोलरता क्या होती है उससे पहले हम इसकी वैल्यू को लिख लेंगे जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है। तो KCl की मात्रा हमें दी है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा स्मॉल w इक्वल हमारे पास है 14.9 ग्राम। इसके बाद जल की, जब घोल के बिलियन बनाया गया तो 500 ml बिलियन बिना क्या बना, 500 ml बिलियन, तो बिलियन का आयतन v इक्वल 500 ml, यह हमारे पास वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। अब हमें जो मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें KCl का अणुभार भी ज्ञात करना होगा। तो हम इसी के फॉर्मूले से या इसके सूत्र से, अणुसूत्र से हम इसका अणुभार निकालेंगे। तो KCl का अणुभार, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, इक्वल हो जाएगा K प्लस Cl। K का परमाणु द्रव्यमान होता है 39, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। जब हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 74.5, यानी कि इसका परमाणु अणुभार आ जाएगा यहाँ से 74.5। बात करते हैं मोलरता की, तो मोलरता क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि मोलरता होती है किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। क्या कहलाएगी हमारी, मोलरता। यानी कि विलय क्या है हमारा, KCl। तो KCl के, अगर यहाँ बात करें KCl के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, यह हमारी किसकी निकलेगी, मोलरता की वैल्यू, बिलियन का आयतन। और ये आयतन हम लेंगे किस में, लीटर में। अब यहाँ से फॉर्मूला बनता है, यहाँ से मोलरता का, मोलरता इक्वल मोलों की संख्या को हम शो करते हैं किससे, n बराबर w अपॉन m से। यहाँ w क्या है, भार है, m क्या है, अणुभार। तो w अपॉन m इंटू वी, वी क्या है, आयतन। तो स्मॉल w की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 14.9 ग्राम, तो लगाएंगे वैल्यू, बटे स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, 74.5, गुणा हमारे पास बिलियन का आयतन कितना है, 500 ml। जब 500 ml है तो इसे लीटर में बनाने के लिए 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भाग देनी पड़ेगी। जब इसे सोल्व करेंगे तो एक पॉइंट से पॉइंट हटेगा यहाँ से, और जब ये सोल्व होगा तो ये होगा 149 बटे 745, और ये जो है 500 नीचे ही रहेगा और ये 1000 का चला जाएगा ऊपर। तो 500 से दो बार काटेंगे, कटेगा 500 धनी 1000। अब यहाँ से हम करेंगे 5 से, देखो ये कटेगा एक बार और ये रहेगा 5 बार, यानी कि ये 5 बार कट जाएगा, और 5 बार कटने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 2/5, जिसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 0.4। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन था कि 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है, तो जो हमारा बिलियन बना है उसकी हमें मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें KCl की मात्रा 14.9 ग्राम दे रखी है, उसके बाद बिलियन का आयतन हमारे पास 500 ml है, KCl का अणुभार निकालना है। तो अणुभार इसके सूत्र से निकालेंगे, KCl से, तो K प्लस Cl, K का परमाणु द्रव्यमान होता है 39 और Cl का होता है 35.5। इसे हम जब ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 74.5 आएगा। अब मोलरता होती है क्या, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, यानी विलय जो हमारा घुला हुआ होगा उसके मोलों की संख्या को हम क्या कहेंगे, बिलियन की मोलरता। तो KCl के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। मोलों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, जो भार बटे अणुभार होता है। तो यहाँ से सूत्र बनेगा
भार बटे अणुभार गुणा आयतन। तो भार हमारा पास था 14.9 बटे अणुभार कितना था ऐसे 74.5 और बिलियन कितना है हमारा आयतन 500 ml। तो 500 ml को लीटर में बनाएंगे क्योंकि हम इसमें आयतन लीटर में लेते हैं, तो 1000 से भाग करनी पड़ेगी। जब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी मोलरता की 0.4। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 10 ग्राम NaH को, यानी कि जब 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलय किया गया तो हमारे पास एक बिलियन मिला। उस बिलियन की हमें क्या करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। ध्यान रखना यहाँ पर मोलरता है और यहाँ पर मोललता, यानी कि मोललता और मोलरता में एक ही अंतर आएगा। यहाँ पर बिलियन का आयतन लेंगे, यहाँ पर विलायक का विलायक की मात्रा लेंगे, उसका द्रव्यमान लेंगे। तो बात करते हैं जो वैल्यू दी है उसे लिख लेंगे। NaOH की मात्रा हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू बराबर है 10 ग्राम, या आने के बाद इसका अणुभार भी निकालेंगे हम। NaOH का अणुभार यह आएगा M इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से, Na का एक है प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, तो Na का 23 होता है परमाणु द्रव्यमान, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, हाइड्रोजन का एक। जब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 40, यानी कि NaOH का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। जब मोललता की बात करेंगे, इससे पहले जो हमारा विलायक है यानी कि जल, तो जल की मात्रा हमारे पास है, जल की मात्रा कैपिटल W बराबर 500 ग्राम, ये वैल्यू हमें मिली हुई है। अब मोललता की बात करते हैं, मोललता होती क्या है। देखो मोललता क्या होती है भैया, मोललता होती है किसी भी विलायक के, यानी विलायक का क्या लेंगे यहाँ पर द्रव्यमान, विलायक का भार ले लो या द्रव्यमान ले लो, वो कितने में आ जाएगा किलोग्राम में। किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के मोल या ग्राम तुल्यांक की संख्या को हम क्या कहेंगे, उसका मोललता कहेंगे। तो मोलों को अभी मैंने बताया था भार बटे अणुभार, तो सूत्र बनेगा W अपॉन M इंटू कैपिटल W, क्योंकि W क्या है विलय का भार है और M क्या है विलय का अणुभार। कैपिटल W हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। अब वैल्यू रखेंगे यहाँ से, देखो स्मॉल W की वैल्यू हमारे पास 10 है बटे स्मॉल M की वैल्यू यहाँ से 40 गुणा कैपिटल W की वैल्यू 500 ग्राम में है, इसे किलोग्राम में बनाने के लिए हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा यहाँ पर भाग करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से वैल्यू सोल्व करेंगे तो 10 बटे 40 तो ऐसे ही आएगा, गुणा 500 भी रहेगा और ये 1000 चला जाएगा कहाँ ऊपर। तो देखिएगा 500 दुनी 1000, ये जीरो से जीरो कटेगा तो यहाँ से वैल्यू बटेगी 2/4। जब इसे सोल्व करेंगे तो 0. कितनी वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारे पास मोललता की वैल्यू कितनी हो गई 0.5। एक बार और बता रहा हूँ, 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में जब घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोललता हमें ज्ञात करनी है। तो NaOH की मात्रा हमारे पास 10 ग्राम है, NaOH का अणुभार हमारे पास निकालेंगे सूत्र से, तो Na प्लस O प्लस H, Na का परमाणु द्रव्यमान 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 40। इसके बाद जल की मात्रा हमारे पास कितनी है 500 ग्राम जो विलायक का कार्य कर रहा है सूत्र इसमें, और मोललता निकालेंगे तो क्या है किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान या 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की या ग्राम तुल्यांकों की संख्या मोललता कहलाएगी। तो मोललता बराबर W अपॉन M इंटू W, जब वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5। इन दो क्वेश्चन के बाद हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमारा मोल प्रभाज पर डिपेंड करता है, और चौथा क्वेश्चन पराशरण दाब पर डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जल में यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार कितना है 6%, तब यूरिया का मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है, यानी कि जो हमने बिलियन बनाया है वो जल और यूरिया से मिलकर बनाया है, तो यूरिया का कितना भारानुसार है इसमें 6%। तो हम यहाँ लिखेंगे यूरिया, क्या सूत्र है इसका, NH2CO NH2, इसका मात्रा कितनी है यूरिया की मात्रा स्मॉल W जिसे हम कहेंगे 6 है, परसेंट में चल रहा है तो यहाँ पर मात्रा 6 हो गई। तो यूरिया का अणुभार निकाल लेंगे, यूरिया का अणुभार निकालेंगे हम, जब अणुभार निकालेंगे M, तो N के कितने परमाणु हैं 1 और 1 2, 2N हो जाएगा, प्लस
हाइड्रोजन के कितने हैं, दो और दो चार, प्लस कार्बन का एक है, एक ऑक्सीजन का है, तो दो गुणा नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, प्लस चार गुणा हाइड्रोजन का एक, प्लस कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन का 16। जब यहाँ से इसे सोल्व करेंगे टोटल वैल्यू आएगी कितनी, 60। यानी कि हमारे पास यूरिया का अणुभार कितना आ गया, 60 आ गया। जब 60 आ गया है तो अब हमारे पास टोटल बिलियन कितना था, हमारे पास 6% यूरिया का मात्रा थी, तो टोटल बिलियन कितना था, 100%, यानी कि 100, यानी कि बिलियन की मात्रा या बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन हम कितना लेंगे यहाँ पर, 100 ml में माना जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं मोल प्रभाज के लिए, तो मोल प्रभाज अगर निकालना है तो मोल प्रभाज कहते किसे हैं, मोल प्रभाज कहते हैं किसी बिलियन में उपस्थित विलेय विलायक का मोल प्रभाज, उसमें उपस्थित विलेय विलायक के मोल तथा बिलियन के कुल मोल के अनुपात को, उसका हम मोल प्रभाज कहेंगे। तो हमें यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है, तो यूरिया का पहले हमें निकालना पड़ेगा मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या बराबर, जिसे हम स्मॉल एन से शो करेंगे, क्या हो जाएगी यहाँ से डब्लू अपॉन एम, स्मॉल डब्लू की वैल्यू हमारे पास है 6, बटे यहाँ से कैप स्मॉल एम की वैल्यू है 60, यानी कि 1/10 कितना आएगा, 0.1, यानी कि यहाँ से स्मॉल एन की वैल्यू आ जाएगी 0.1। इस वैल्यू के बाद हमें जल के मोलों की संख्या भी चाहिए, तो जल की मात्रा तो हमारे पास कितनी बची, जल की मात्रा यानी कैपिटल डब्लू, जब 6 हमारे पास यूरिया है तो बाकी कितना, 100 में से 6 कर देंगे माइनस को, तो हमारे पास 94 बचेगा क्या, जल की मात्रा। जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार कैपिटल एम बराबर 18 होता है, ये मालूम है हमें, तो जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, जल के मोलों की संख्या जिसे हम कैपिटल एन से शो करेंगे, ये आ जाएगी कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम, यहाँ से आएगा 94/18, और इसे सोल्व करेंगे तो 18 × 5 = 90, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा 40, 18 × 36, और यहाँ से 18 × 36, तो 5.22 आ जाएगा यहाँ से कैपिटल एन की वैल्यू। अब हमें यूरिया के मोल प्रोफाइल निकालने हैं, किसके, यूरिया के, तो देखिएगा यूरिया के मोल प्रभाज या मोल अंश, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, यूरिया के मोल, यूरिया के मोल बटे बिलियन के कुल मोल, बिलियन के कुल मोल। जब ये वैल्यू हम सोल्व करेंगे तो यूरिया के मोल हमारे पास कितने हैं, हमारे पास हैं 0.1 बटे बिलियन के कुल मोल में क्या आएगा, दोनों आ जाएगा, या मैं यहाँ सूत्र के द्वारा समझाऊँ तो यूरिया के मोल n और बिलियन के मोल हो जाएंगे n प्लस n, स्मॉल n की वैल्यू 0.1 और इसकी वैल्यू 0.1 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.22। जब इसे सोल्व करेंगे तो 0.1 बटे 5. कितना आएगा यहाँ से 3.2 आएगा। जब इसे सोल्व करेंगे यहाँ से तो यहाँ सोल्व करने के लिए यहाँ से 2 0 बढ़ाएंगे ऊपर और यहाँ से 1 0 से कटेगा, 10/532 हो जाएगा। अब इस हम इसे भाग करें तो यहाँ पर देख लें, हम 10 को अगर हम भाग कर रहे हैं 532 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे फिर 0 लगाएंगे 0, तो यहाँ से आएगा एक बार, तो ये 532 माइनस करेंगे तो 10 में 2 = 8, 9 में 3 = 6, 9 में 5 = 4, फिर पॉइंट लगवाए 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ से लगभग कितना जाएगा 8 बार, तो हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू 0.018, यानी कि यूरिया के मोल प्रभाज कितने हो जाएंगे, 0.018 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 27 °C पर यूरिया के 2% बिलियन का पराशरण दाब हमें ज्ञात करना है। जब यहाँ पराशरण दाब ज्ञात करेंगे तो पहले लिखेंगे 27 °C हमारे पास तापमान है, तापमान T = 27 °C। जब इसे हम केल्विन में चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 इसमें हम जोड़ देंगे तो ये 300 केल्विन बन जाएगा। और हमारे पास यूरिया की कितनी मात्रा है वो लिख लेंगे, यूरिया की मात्रा यानी कि स्मॉल डब्लू इक्वल 2 है। यूरिया का अणुभार अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है जो बराबर में है, कितना होता है 60, स्मॉल एम इक्वल 60,
हो जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास बिलियन का टोटल आयतन कितना लेंगे, जब 2% यूरिया है तो 100 ले लेंगे। बिलियन का आयतन वी इक्वल कितना आएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी वी बराबर एन एस टी। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पराशन दाब की। तो पी इक्वल एन को हम लिख सकते हैं, मोलक संख्या को डब्लू अपॉन एम, ऊपर एस भी रहेगा और टी भी रहेगा और नीचे ये वी आ जाएगा। यहाँ से पी इक्वल स्मॉल डब्लू की वैल्यू हमारे पास 2 है, गुणा एस की वैल्यू जो फिक्स होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो होती है एस इक्वल 0.082, जो बिलियन स्थिरांक है। तो 0.082 गुणा हमारा टेम्परेचर कितना है, 300 बटे स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है, 60, गुणा बिलियन का आयतन कितना है, 100 एम एल है, इसे लीटर में बनाएंगे तो 1000 से ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा यहाँ से अगर सोल्व करें तो 100 से ये 2 जीरो कटेंगे, इस जीरो से एक जीरो कटेगा और यहाँ से आएगा पी इक्वल 2 गुणा 0.082 गुणा 3 गुणा 100 बटे 6। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 1000 हो जाएगा, और 3 से 2 बार कटेगा और 2 से 2 कट जाएगा एक बार, और 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, पी इक्वल आ जाएगा 82/10 और वैल्यू आ जाएगी 8.2 वायुमंडल। यहाँ से पराशन दाब हमारा कितना आ जाएगा, 8.2 वायुमंडल आ जाएगा। अब इसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन करेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक पर और छठा क्वेश्चन करेंगे हिमांक पर, ठीक है। तो मोलर में क्या है, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर इसके क्वथनांक में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक की हमें गणना करनी है, तो जो वैल्यू हमें दी है पहले उस वैल्यू को लिख लेंगे। ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 की मात्रा कितनी है हमारे पास भैया, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल 12 ग्राम। इसके बाद जल की मात्रा कितनी, या ग्लूकोज का अणुभार निकालने पहले, तो ग्लूकोज का अणुभार M इक्वल कार्बन के कितने हैं यहाँ पर, 6 प्लस 12 हाइड्रोजन के परमाणु हैं प्लस 6 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो 6 गुणा मोलर द्रव्यमान कार्बन का होता है 12 प्लस 12 गुणा हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 गुणा ऑक्सीजन के 16। तो M इक्वल 12×72 प्लस 12 प्लस 16×96। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो M इक्वल हमारे पास आ जाएगा 6×2×8×10 हासिल 1, 9×1×7=17, 180। यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 180 आ जाएगी। जल की मात्रा कितनी है हमारे पास, 100 ग्राम। तो जल की मात्रा कैपिटल W इक्वल कितनी है हमारे पास, 100 ग्राम वैल्यू है। अब हमारे पास इतनी वैल्यू आने के बाद हम यहाँ से मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी कि कितनी वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, मोलर उन्नयन स्थिरांक जिसे कहते हैं K की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। इससे पहले हमारे पास जो क्वथनांक में वृद्धि हुई है उसकी वैल्यू दी है, जिसे कहते हैं डेल्टा टी वी इक्वल 0.34 डिग्री सेल्सियस। तब फॉर्मूला आता है डेल्टा टी वी इक्वल मोलर है तो 100 लगाएंगे। एक बात का इसमें ध्यान रखना, अगर मोलर उन्नयन स्थिरांक आएगा तो इस फॉर्मूले में हम 100 का यूज करेंगे, अगर मोलर उन्नयन स्थिरांक आएगा तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, 1000 का। तो फॉर्मूला बनता है 100 गुणा डब्लू बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू। तो देखो वैल्यू लगाते हैं डेल्टा टी वी कितनी वैल्यू है इसे, और यहाँ से क्या आ जाता है, के। मैंने अभी बताया अगर यहाँ मोलर उन्नयन स्थिरांक है तो 100 लगेगा, अगर मोलर उन्नयन स्थिरांक होगा तो 1000 आ जाएगा। डेल्टा टी वी की वैल्यू 0.34 डिग्री सेल्सियस इक्वल 100 गुणा स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 12 ग्राम है, गुणा के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बटे स्मॉल एम की वैल्यू हमारे पास है 180, गुणा कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी है, 100। अब यहाँ सोल्व करना है तो इस 100 से तो 100 कट जाएगा, ये 180 कहाँ आएगा, इधर। तो 0. यहाँ से वैल्यू अगर हम देखें तो कितना आएगा, 0.34 बराबर
यहाँ से बचा 12 गुणा के बटे 180। अब 180 कहाँ रहेगा, गुणा में आ जाएगा, तो 0.34 गुणा 180 बराबर 12 गुणा के की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से क्या आएगा, के इक्वल 0.34 गुणा 180 बटे 12। 12 से इसे काटेंगे तो 12 का ना 12, 6 बचे 60 हो गया, 12 पंजे 60। के इक्वल 0.34 गुणा 15। जब इसे सोल्व करेंगे तो 15 चौका 60 का 0, हासिल लगा 6, 15 तिया 45 और 6 51। 51 और पॉइंट लगाएंगे कितने के बाद, 3 के बाद, सॉरी 2 के बाद, तो कहाँ आ जाएगा पॉइंट हमारा, यहाँ। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5.10। दूसरा क्वेश्चन है, 0.29 ग्राम कार्बन के यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, तो यौगिक का अणुभार हमें ज्ञात करना है। जबकि बेंजीन के लिए यहाँ पर हिमांक के अवनमन स्थिरांक की वैल्यू हमें दे रखी है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। याद रखना, जब मोलल है तो 1000 वाला फॉर्मूला लगाएंगे और मोलर होगा तो 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वैल्यू लिख लेते हैं, कार्बनिक यौगिक की मात्रा, कार्बनिक यौगिक की मात्रा जिसे हम स्मॉल डब्ल्यू से शो करेंगे, हमारे पास कितनी है, 0.29 ग्राम। इसके बाद इसका अणुभार हमें निकालना है, अणुभार एम हमें निकालना है। फिर यौगिक में कितना बेंजीन की कितनी मात्रा है, 5.8 ग्राम। बेंजीन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, C6H6। तो बेंजीन की मात्रा कितनी है यहाँ पर, 5.8 ग्राम, ये बेंजीन की मात्रा है। और हिमांक में कितने कमी हो रही है, डेल्टा टी एफ इक्वल 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही है। एफ फॉर फ्रीजिंग आ जाएगा क्योंकि हिमांक में कमी हो रही है। और बेंजीन के लिए के एफ की वैल्यू भी दे रखी है, के एफ इक्वल 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, ये हमारे पास वैल्यू है। तब हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होगा डेल्टा टी एफ इक्वल 1000 गुणा डब्लू गुणा के एफ बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू। जैसे मैंने अभी बताया, अगर यहाँ पर मोलर होता, क्या होता, मोलर, तो इस फॉर्मूले में हम 100 लगाते, अगर मोलल है तो हम क्या यूज करेंगे, 1000। अब देखो यहाँ से डेल्टा टी एफ कितना है, 1.5 इक्वल 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 0.29 गुणा के एफ की वैल्यू हमारे पास 5 है बटे स्मॉल एम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास कितना है, 5.8 ग्राम। यहाँ से सोल्व करने के लिए दो डिजिट के बाद पॉइंट है तो लगा देंगे 100, और यहाँ पर 1 के बाद है तो ऊपर 10 हो जाएगा। अब 29 ही का ना 29, 29 दूनी 58, इससे जाएगा ये 10 से 10, 10 कटेगा, तो 1.5 इक्वल 1000 गुणा 5 बटे एम गुणा 2 गुणा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो एम को हम इधर ले लें, एम इक्वल ये वैल्यू ऐसी रहेगी 1000 गुणा 5 बटे ये 1.5 आएगा नीचे, 1.5 इंटू 2 इंटू 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 लगेगा। अब यहाँ से करेंगे 5 × 2 = 50 और 5 × 3 = 15। अब 2 से काटेंगे ये 10 से, 10 कटेगा और 3 × 2 = 6, एम इक्वल 1000 बटे 6, या भाग करेंगे तो 6 × 6 = 6, 4 × 4 = 40 हो गया, 6 × 6 = 36, 4 × 4 = 40 हुआ, 6 × 6 = 36। फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 6 बार जाएगा, एम आ जाएगा 166.6, यानी कि इसका पदार्थ का अणुभार कितना हो जाएगा, 166.6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी कड़ी में, 7वां, शुद्ध बेंजीन का 25 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब 639.7 mmHg है तथा एक विलेय के बेंजीन में विलयन का वाष्प दाब उसी ताप पर 631.9 mmHg है, विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। तो हम पहले वैल्यू लिख लेंगे कि हमारे पास जो विलायक था यानी कि बेंजीन, उसका वाष्प दाब कितना था शुद्ध का, तो हमारे पास वैल्यू है इसकी, बेंजीन का वाष्प दाब हमारे पास वैल्यू है इसकी 639.7 mmHg। फिर हमने कोई विलेय पदार्थ उसमें मिलाया तो विलयन जो बना उसका वाष्प दाब है, विलयन का
वाष्प दाब हमारे पास कितना है 631.9 mm Hg है और हमें बिलियन की क्या करनी है मोललता ज्ञात करनी है। तब हम राउल्ट के नियम का यूज करते हुए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, तब पी माइनस पी एस बटे पी ओ इक्वल यहाँ से हो जाएगा डब्लू कैपिटल एम अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब यहाँ से हमें मोललता ज्ञात करनी है, तो मोललता का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि मोललता क्या होती है, मोललता बराबर मोललता होता है डब्लू बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू। यानी कि अभी हमने पीछे सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन करा था उसमें यही फॉर्मूला यूज करा था, तो मोललता हमें फाइंड करनी है, तो इतनी वैल्यू ये मोललता की आ जाएगी। तो मोललता यहाँ से बनेगी, इसकी वैल्यू हमारे पास है 639.7 माइनस 631.9 बटे 639.7 इक्वल, इस वैल्यू को हम कहेंगे मोललता। तो मोललता गुणा कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या है जो हमारा विलायक है उसका अणुभार, तो विलायक हमारा क्या है बेंजीन, तो बेंजीन का अणुभार अगर हम बात करें तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ जैसे बेंजीन का अणुभार अगर हम निकालेंगे कैपिटल एम बराबर, तो कार्बन के 6 परमाणु आएंगे और हाइड्रोजन के भी 6 आएंगे, क्योंकि बेंजीन का सूत्र होता है क्या C6H6, तो 6 × 12 प्लस 6 × 1 तो 12×72 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो हम वैल्यू लगाएंगे यहाँ से, देखो माइनस करेंगे तो 17 में से 9 गए तो 8, पॉइंट का पॉइंट 8 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7 और यहाँ से 3 में से 3 गए 0, 6 में से 6 गए 0 बटे 639.7 बराबर मोललता गुणा 78। अब यहाँ से मोललता की अगर हम वैल्यू करें निकालेंगे तो मोललता की वैल्यू आएगी यहाँ से, देखिएगा मोललता बराबर बनेगा, ये ऐसे ही लिखेंगे सेम 77.8 अपॉन 639.7 और ये आ जाएगा 78 नीचे। तो देखो पॉइंट हटाएंगे पॉइंट से, 78 से 78 जाएगा, मोललता बराबर आएगा 1/639.7। यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन ख़त्म हो रहा है और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा है वैद्युत रसायन। थैंक यू।